नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल टू अपडेट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में, जो कि आपका होम गार्ड भर्ती के बारे में। ठीक है, इसमें हम आपको रूरल और अर्बन दोनों के लिए यहां पे भर्ती निकल के आई है और ऑनलाइन प्रोसेस जो है यहां पे स्टार्ट कर दिया गया है। तो बता दें कि ये जो है आपका मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, तो इसकी अप्लाई करने की सारी प्रोसेस यहाँ पे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं इसकी क्या क्या यहाँ पे प्रोसेस होने वाली है। जैसे कि देख पा रहे होंगे, ये आपका यहाँ पे पोर्टल खोल दिया गया है, जिसमें से आपका होम गार्ड रिक्वायरमेंट को लेकर के ये आपका पोर्टल खोली गई है, जिसमें आप इसकी नोटिफिकेशन को भी देख पाएंगे और यहाँ पे अप्लाई करने की प्रोसेसें भी यहाँ पे देख पाएंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ पे अप्लाई करने की प्रोसेसें में क्या क्या दिए गए हैं वो हम पहले देख लेते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं कि ये जो है आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का दो ऑप्शन दिया गया है, और लॉगिन जो जब करनी है तब आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फुलफिल हो जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या करनी है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए पहले यहाँ पे आपको चूज करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सेलेक्ट करनी है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप जिस पोस्ट के लिए यहाँ पे नेम जो भरेंगे, आप यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट आपका नेम होगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका देख पा रहे हैं कि पोस्ट अप्लाई के लिए आपका यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद एप्लीकेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और सेंड ओटीपी। ठीक है, तो ये जो है ओटीपी आपको यहाँ पे वेरीफाई करनी है, फिर ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है और रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके फोन में यानी कि मोबाइल में जो जिस मोबाइल से आप यहाँ पे ओटीपी देंगे वहाँ पे आपको एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और यहाँ पे आप आईडी और यहाँ पे अपना आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इसकी नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि इसकी नोटिफिकेशन में क्या कुछ दिया गया है। थोड़ा हम ओवरव्यू आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन के बारे में भी बता देते हैं कि देख पा रहे हैं ये नोटिफिकेशन है, ये आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। और नोटिफिकेशन में क्या कुछ दिए गए हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए आपका यहाँ पे जो वैकेंट सीट है वो यहाँ पे दिया गया है कि टोटल जो है पुरुष यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए 319 यानी कि पोस्ट दिए गए हैं, और फीमेल के लिए भी यहाँ पे 319 यहाँ पे पोस्ट दिए गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 638 पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं कुल फीमेल और मेल दोनों को मिला के। ठीक है, और शहरी क्षेत्र के अगर बारे में बात कर ले तो यहाँ पे 420 सीट दिए गए हैं पुरुष के, 420 सीट दिए गए हैं यहाँ पे महिला के। इस प्रकार से 840 सीट यहाँ पे टोटल निकाली गई है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये सारी यहाँ पे इसकी जितनी भी यहाँ पे प्रक्रिया है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपको यहाँ पे क्या क्या लगनी है। जैसे कि शैक्षणिक योग्यता की अगर बात कर ले तो आपको गृह यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए सातवीं पास कैंडिडेट या उच्च कैंडिडेट यानी कि उससे भी ज़्यादा हायर एजुकेशन है तो अप्लाई कर पाएंगे। शहरी के लिए अगर बात कर लें तो टेंथ के कैंडिडेट यानी कि न्यूनतम जो है टेंथ पास होना यहाँ पर अनिवार्य है या उससे उच्च यहाँ पर दिए गए हैं। टोटली प्रोसेस है मैंने आपको ऑनलाइन बताया है, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि ऑनलाइन प्रोसेस में आप यहाँ पे एप्लीकेशन को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो शारीरिक मापदंड जो लिए जाएंगे ग्रामीण और शहरी के लिए वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लंबाई सीने की नाप जो होगी वो यहाँ पे मेंशन की गई है। तो इस प्रकार से पूरा नोटिफिकेशन दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका चयन प्रक्रिया कैसे होगी वो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये आपका गृह विभाग झारखंड सरकार रांची के अधिसूचना संख्या 5442 दिनांक 20/10/2014 के आलोक में चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत नियमित यहां पे जांच लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद शारीरिक जांच परीक्षा होगी, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं पहले आपका एग्जाम होगा, फिर यहां पे आपका शारीरिक यानी कि फिजिकल टेस्ट होगा, जैसे कि 1 मील की दौड़ होगी, ऊंची कूद होगा, लंबाई यहां पे आपको यहां पे लंबी कूद होगी, शॉर्ट फुट होगा, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं इस प्रकार से आपका यहां पे ली जाएगी। ठीक है, दौड़ में 1 मील में कितने यहां पे आप यानी कि 5 मिनट में अगर यहां पे कवर करते हैं तो 20 पॉइंट दिए जाएंगे। इस प्रकार से यहां पे सारे पॉइंट को नोट कर दिया गया है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पे इसकी नोटिफिकेशन में सारी कुछ जारी कर दिया गया है। वैसे कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि लास्ट डेट जो है यहां पर 17/3/2023 तक अप्लाई कर पाएंगे, और ये जो है आप यहां पर ऑनलाइन प्रोसेस
कोर्सेज में अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और परीक्षा शुल्क जो है यह आपका 100 रुपीज रखा गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन की गई है। आप ऑनलाइन के थ्रू भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं इस लिंक के थ्रू, ठीक है। तो ये थी प्रोसेस जो मैंने आपको यहाँ पे सारी बताई। आज के लिए इन्फॉर्मेशन इतना ही था, छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप झारखंड के जितने भी कैंडिडेट हैं आप यहाँ पे एलिजिबल हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।